सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, सैमसंग ने आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है सैमसंग का ऑन 6 जो बजट वेरिएंट फोन है। जो मैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना चाहूंगा और वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। तो मुझे बताना चाहूंगा कि सैमसंग में आपको एक ऑन 6 जो इसका बजट वेरिएंट फोन निकाला है इस फोन में, तो मैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो पहले इसकी डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में आपको 5.6 इंच की HD प्लस की आपको डिस्प्ले मिलती है 18.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। सुपर एमोलेड स्क्रीन है, इन्फिनिटी डिस्प्ले आपको दी जा रही है और प्लास्टिक बॉडी के साथ ये फोन आता है। तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, प्लास्टिक की बॉडी मिल जाएगी, पढ़ाई एक साइड आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन आएगी, इन्फिनिटी डिस्प्ले आपको मिल जाती है और 18.5:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली आपको डिस्प्ले मिल जाती है। HD प्लस है, फुल HD प्लस नहीं है, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस फोन में। दूसरी बात आती है इसकी चिपसेट की, तो चिपसेट में आपको 7870 का आपको प्रोसेसर मिलता है जो ऑक्टा कोर 1.6 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, कॉर्टेक्स A53 पे काम करता है ये प्रोसेसर। और आपको GPU आपको मालिका T830MP1 का आपको GPU मिल जाता है, तो यानी कि आपको थोड़ा बजट में ये प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना अच्छा है, आपको काम चल जाएगा इस ऑन 6 में। दूसरी बात इसके वेरिएंट की बात करें तो इसमें 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में फोन आता है, एक ही वेरिएंट आपको इसमें अवेलेबल मिलेगा और 256GB तक आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है। तो अच्छी बात है, आपको इसमें डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, आपको मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको अलग से मिल जाता है, तो अच्छी बात है ये। दूसरी बात करें इसके कैमरा की, तो कैमरा आपको रियर कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का जो F1.9 का इसे अपर्चर दिया गया है, विद LED फ्लैश के साथ में एक कैमरा दिया गया है। इसमें आपको लाइव स्टिकर्स और स्टैम्प्स और फिल्टर का आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है, तो ये 13 मेगापिक्सल का एक ही कैमरा आपको दिया जा रहा है। और 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है जिसका एपर्चर आपको F1.9 का एपर्चर मिल जाता है, जिसके LED फ्लैश में आपको इसमें दी जा रही है। इसमें आपको सेल्फी फोकस और ब्यूटी मोड भी आपको इसमें मिल जाता है और इसमें आपको फेस अनलॉक का भी फीचर आपको इसमें मिल जाता है, तो अच्छी बात है आपको बजट में ऐसा मिल जाता है इस फोन में। बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको 3000mAh की बैटरी मिलती है और आपको इसमें सॉफ्टवेयर आपको एंड्रॉइड ओरियो का मिलता है, तो ये एंड्रॉइड ओरियो लेटेस्ट मिल जाता है, तो आप ध्यान रखेगा। और आपको बैटरी थोड़ी सी कम मिल रही है, तो ये थोड़ी नाराजगी वाली बात है। अब हम बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी और सेंसर की बात करें तो कनेक्टिविटी की बात करें तो माइक्रो USB केबल 2.0 आपको दिया जा रहा है, यानी कि आपको इसमें फास्ट चार्जिंग आपको नहीं मिलेगा। 3.5mm का ऑडियो जैक आपको मिल जाता है इस फोन में, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है रियर माउंटेड आपको, आपको इसमें जायरो सेंसर इसमें नहीं दिया जा रहा है, बाकी के जो प्रॉक्सिमेटली एक्सेलरेटेड जो प्रोसेस सेंसर है वो सेंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको जायरो सेंसर इसमें नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसकी प्राइस, तो प्राइस आपको 14,490 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है, फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव अवेलेबल हो जाएगा 5 तारीख से, जो रात के 12 बजे से आप इसे ले सकते हो। तो ये थी इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब बताना चाहूंगा इस फोन में क्या ऐसा है जिसके कारण आपको लेना चाहिए। इसमें तो आपको बताना चाहूंगा कि आपको 14,490 रुपये वो प्राइस थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इस प्राइस में तो आपको बहुत अच्छे स्मार्टफोन मिल जाएगा, हाँ, लेकिन आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन वाले कोई भी फोन आपको नहीं मिलेंगे, तो इसमें बिग थम्स अप है। दूसरी बात, इसमें एक ही वेरिएंट आपको दिया गया है, नॉर्मल कोई वेरिएंट दूसरा वेरिएंट इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि 4GB 64GB किसी को 3GB वाला वेरिएंट चाहिए तो उसमें नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ी सी नाराजगी वाली बात है। दूसरी बात, इसमें आपको कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, आपको अच्छा चलेगा तो कोई बात नहीं, एक ही कैमरा है, पर ड्यूअल कैमरा का सपोर्ट इसमें देना चाहिए तो भाई इसमें नहीं दिया गया है इस फोन में। J8 में आपको मिल जाता है, पर इसमें आपको नहीं मिलता है ड्यूअल कैमरा, तो ये थी। आप इसके सिवा आपको J8 ले लीजिए, वो बहुत अच्छा है फोन, बाकी इसके द्वारा बाकी आपको ये को फोन लेना, आपको इसमें आपको जायरो सेंसर यानी कि आपको VR का भी मजा आप नहीं ले पाएंगे इस फोन में, तो ये थोड़ी सी नाराजगी वाली बात है, क्योंकि 14,490 में ये एक्सपेक्टिंग नहीं है ये प्राइस, क्योंकि ये फोन में कुछ ऐसा नहीं है, प्लास्टिक बॉडी मिलती है, मेटल बॉडी भी इसमें नहीं मिलती। बैटरी की बात करें तो बैटरी में आपको 3000mAh की ही बैटरी मिलती है, तो ये थोड़ी बात थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करने वाली है। आपको सैमसंग का फोन अच्छे लगते हैं और आपको लेना है तो आप ये फोन ले सकते हो सुपर एमोलेड स्क्रीन के कारण, बाकी कुछ इस फोन में है नहीं कुछ नया। आप इसके अलग से आपको J8 लेना है तो बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, J8 ले लीजिए, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। तो दोस्तों, ये थी ऑन 6 की
स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना मत भूले, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।